Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are starting off with the revision of differentiation. And first of all, we'll be talking about continuity and differentiability in the topic of differentiation. So in term one, you have continuity and differentiability. This certainly is going to be among the important topics, or is say easy or important अच्छे questions यहाँ से पूछे जाने वाले हैं. आप बहुत अच्छे से इनको cover कर पाओगे. लेकिन हाँ, basic understanding अच्छी होनी चाहिए. देखो, MCQ paper और subjective paper में ऐसा है कि सब्जेक्टिव पेपर में तो क्या है कि अगर तुमने स्टेप्स वगैरह कुछ कर भी दिए हैं और सही स्टेप किए हैं तो सब्जेक्टिव मतलब आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी. बट इधर एमसीक्यू पेपर में क्या है, एमसीक्यू पेपर में ऐसा है कि अगर तुम्हारा आंसर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, कोई स्टेप मार्किंग नहीं है. ठीक है, इट इज़ ओनली दी ओमआर विच विल बी इवेल्युएटेड, ओनली योर ऑप्शंस विल मेक अ डिफरेंस. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट जो तुम कर रहे हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको करोगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी पेपर में ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे, उसके लिए अच्छे स्कोर लाने के चांसेस आपके बढ़ते हैं. तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, नाम से क्या पता लगता है कि अगर किसी भी ग्राफ को आप प्लॉट कर रहे हो, राइट, किसी भी ग्राफ को आप प्लॉट कर रहे हो और अगर आपने बिना पेन उठाए हुए उसको पूरा पूरा प्लॉट कर दिया जैसा भी है तो वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट. यहाँ मैंने बिना पेन उठाए हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अगर मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट. डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट. अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पे इस बताओ एफ डैश ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज This point is x is equal to a. So if I calculate f dash x and I finally put the value as f dash a. So what does this represent f dash a? This f dash a represents the slope of the tangent. अगर मैं इस point पे एक tangent draw करूँगा जो कि इस curve को एक जगह पे touch कर रहा है a point पे और ये theta angle बना रहा है. So this is nothing but tan theta. Right? That is the geometrical interpretation that we have learned. Okay? So I hope all of you are absolutely fine and comfortable with this tan theta. इसी को dy by dx बोलते हैं, इसी को slope बोलते हैं, इसी को gradient बोलते हैं, जैसे चाहे वैसे आप बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अलग अलग नाम है एक ही चीज के. ठीक है, तो ये तुम्हें ये वैल्यू देता है. तो कोई जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन चेक करते हैं तो यानी कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जो उसका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, राइट, उसका स्लोप सेम होना चाहिए. चाहे मैं उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या फिर मैं उसको राइट साइड से अप्रोच करूं, उसका स्लोप सेम होना चाहिए. ठीक है, तो वो स्लोप किस केस में सेम नहीं होता है, अगर कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा कोई वी शेप ग्राफ है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक अलग टेंजेंट होगा, इसके राइट हैंड साइड से एक अलग टेंजेंट आएगा. कभी भी कोई वी शेप ग्राफ है, चाहे नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, वी शेप, राइट, एकदम शार्प टर्न होना चाहिए, शार्प टर्न. ये जो ग्राफ मैंने ऊपर बनाया fx, ये क्या है, ये तो यू शेप है, ऊपर से है ना, यू है, ऐसा कोई एग्जैक्ट वी शेप नहीं है. ठीक है, तो वी शेप ग्राफ किस में आता है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? वी शेप ग्राफ तुम्हारे पास आता था मॉडुलस एक्स में, राइट, मॉडुलस ऐसा ग्राफ वी शेप ग्राफ हुआ करता था. ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास वी शेप ग्राफ है तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वी शेप ग्राफ होगा ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा. इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इसके जो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा दोनों जगह पे डिफरेंट होते हैं, उसका स्लोप डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, अगर मैं बुकिश डेफिनेशन पे जाता हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात थी कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का. अगर आप इसकी बुकिश लैंग्वेज देखो जो भी, तो उसको वो भी आना चाहिए. तो कॉन्टिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है, लेट से आई एम टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड आई वॉन्ट टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. ठीक है, एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो वो क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है. अब ये एल एच एल क्या होती है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एल एच एल, तो ध्यान रखना इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे देखना है तो हम एक वैल्यू लेते हैं इन्फाइनाइटली स्मॉल विच वी कॉल एज एच, h is tending to 0. So we calculate the value of the function from the left hand side of a minus h. ठीक है? Similarly, RHL कितना हो जाएगा बच्चों? RHL हमारे पास हो जाएगा limit h tending to 0 और इसके right hand side से हम check करेंगे, यानी कि a plus h रख के देखेंगे.
ये दोनों वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए अगर सब के सम ये बराबर हैं तो हम क्या बोलते हैं, दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ रखा था कि अगर एल एच एल आर एच एल इक्वल है तो हम बोलते हैं द लिमिट एग्जिस्ट, बट कॉन्टिन्यूटी के लिए एल एच एल आर एच एल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। अब कॉन्टिन्यूटी के बाद जो अगली चीज हमें देखनी है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। बिफोर वी जंप इनटू द क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि वहां पे टेंजेंट हमारे पास दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि एल एच डी और आर एच डी हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम स्लोप होनी चाहिए टेंजेंट्स की उस पॉइंट पे, चाहे मैं उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ या उसके राइट साइड से अप्रोच करूँ, तो वो उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एल एच डी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एल एच डी की बेसिक डेफिनेशन होती है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, दिस इज योर एल एच डी एंड व्हाट इज योर आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इन केस अगर इसमें कोई भी ऐसी बात है जो कि आपको नहीं समझ में आती है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और क्वेश्चंस करने से और ज्यादा क्लैरिटी इन पे आएगी। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करना देखते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप आपके ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या देखना होता है और कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या देखना होता है। ठीक है, एक और बात जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी चाहिए कि इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। आई रिपीट, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, बट इफ एनी फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन इट इज सर्टनली नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। सो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट continuity does not imply that the function is differentiable. ठीक है, अगर कोई function continuous है तो जरूरी नहीं है कि वो differentiable भी होगा उसी point. ठीक है, ध्यान रखना। आओ कुछ questions देखते हैं, कुछ previous year questions, कुछ NCERT questions, कुछ MCQs, कुछ different questions. जैसे देखो, ये कह रहे हैं कि show that it is continuous but not differentiable. खैर show that का तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट हाँ आपको पता है जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस बताया, y इज इक्वल टू x माइनस थ्री का मॉडुलस, ये पॉइंट है तुम्हारे पास 3, 0, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ, बिना पेन उठाए मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, MCQ अप्रोच। ओके, क्या ये डिफरेंशिएबल है? कभी भी नहीं। कभी भी अगर हमारे पास V शेप बन रहा है, पॉइंट शेप आ रहा है, मेरे पास एग्जैक्टली V शेप बन रहा है, तो वे उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज सर्टेनली नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, शो वो करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से देखना चाहते हो सब्जेक्टिव के ख्याल से, तो आप इसको देख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3 और दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन, लेस देन इक्वल नहीं होता है, लेस देन होता है सिर्फ। ठीक है, ओनली लेस देन, बेसिक डेफिनेशन, एक्स इज लेस देन 3 एंड दिस इज द केस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर तुम 3 रख के देखो तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, बट अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, एल एच डी कितना आएगा -1, आर एच डी कितना आएगा +1, तो दे आर डिफरेंट। ओके, आई होप यू गेट दैट। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, इसको भी देखिए जरा कैसे करेंगे आप। शो दैट दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, फाइंड f डैश। देखो शो वो तो कुछ नहीं कर रहे, अपन तो इस तरीके से कर रहे हैं कि हम सही सही वैल्यूज निकालना सीखें। ठीक है, तो मैं अगर fx देखता हूं तो मैं f डैश x बड़े आसानी से कह सकता हूं ना, f डैश x कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2x। ये 12 कब है, जब हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 3 है, और ये 2x कब है, जब मेरे पास x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं इधर लेस देन 3 की बात करूँ तो 12 है, और ग्रेटर देन 3 पे हमारे पास x है, राइट, ग्रेटर देन पे ये 6 हो जाएगा,
तो क्या ये जो मेरे पास वैल्यू है इज इट एफ डैश थ्री ऑल्सो फाइंड एफ डैश थ्री, तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि एफ डैश थ्री मतलब थ्री पे क्या ये डिफरेंशिएबल है? नो, मैं बोलूंगा इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट थ्री, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट थ्री। अगर मैं बोलता कि बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूस है, तो वो चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखी तो मैंने थ्री रखा, कितना हो गया, 12 36, 36 में से 13 गया तो मेरे ख्याल से 23, ठीक है 23। और यहाँ मैंने जब देखा तो ये कितना आ गया, 9, एंड 9 2 18, 18 + 5 = 23। सो यस, इट सर्टेनली इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट थ्री, बट यस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट थ्री। वाई? बिकॉज द LHD एंड द RHD दे आर डिफरेंट। LHD इज कमिंग आउट टू बी 12 एंड RHD इज कमिंग आउट टू बी 6, ठीक है, दैट इज हाउ वी शुड बी डूइंग दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन, और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये फोर्थ क्वेश्चन, शो वो से कोई मतलब नहीं है अपन को, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और जल्दी से समझना है। तो ये बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, टू पे, ठीक है, तो टू पे देखना है, राइट। ये रहा मेरे पास टू का लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कितना है, दिस इज द फंक्शन, और टू के राइट साइड फंक्शन कितना है, दिस इज द फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो मैं जरा LHL देखू, LHL, तो मैंने टू रखा, कितना आ गया, 4 × 8, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। और मैंने RHL देखा, यहाँ मैंने फिर से 2 रखा, तो 2 रखा तो कितना हो गया 10, और 10 में से 4 गया तो 6। हाँ तो भाई LHL RHL सेम है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम है। वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे देख रहे हो, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो एफ ऑफ 2 भी उतना ही होगा, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है। डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, ओके नो टेंशन। एफ डैश एक्स देखते हैं जरा, एफ डैश एक्स मेरे पास जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा, 4x आएगा, और नीचे वाले करूंगा तो 5 आएगा। तो 2 पे देखना है, तो LHD कितना हो गया, LHD हो गया मेरे पास 8 और RHD हो गया 5। LHD RHD डिफरेंट, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? ना, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। आई होप यू गेट दीज इजी थिंग्स, ओके, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, मस्ट, इट शुड बी क्लियर, ओके ठीक है। अब डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो कॉन्टिन्यूसिटी तो कोई भी जो तुम्हारा मॉड फंक्शन है ना वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। कोई भी अल्जेब्राइक फंक्शन, मॉड फंक्शन, ये सब के सब क्या होंगे, हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे। जहां तक डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको मॉड को रिडिफाइन करना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मॉड वाली बात तुम्हारे लिए कई जगह पे काम आएगी, कई जगह पे काम आएगी। क्या करते हैं इसको हम चेक करते हैं, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, हमारे पास 0 है और हमारे पास 1 है, ठीक है, जो अगर ये 1 से बड़ा है x, तो इससे ही बड़ा है, ठीक है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, फर्स्ट केस। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना आएगा, 2x - 1, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, 0 से लेके 1 तक, यानी x हमारे पास 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाली चीज अभी नेगेटिव रहेगी, तो ये कितना देगा मुझे, +1 देगा, ठीक है बच्चों। और क्या है भाई, और मेरे पास अगली चीज है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, सो मतलब दोनों ही निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये कितना देगा मुझे, -2x + 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन को हमने चेक कर लेना है कि फंक्शन रीडिफाइंड मॉडुलस है ना, कभी मॉडुलस आ जाए उसको हमेशा रिडिफाइन कर लेना, ऑलवेज, ठीक है। टर्म टू में मेरे पास इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट करने को ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और वहां पे तुम्हें ये डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग काफी काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स लेस देन 0 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो अब कॉन्टिन्यूस तो है, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने बोला कि बताओ इंटरवल -1 से 2 तक ये पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो कॉन्टिन्यूस तो है, कोई देखने की जरूरत भी नहीं है। और -1 से लेकर के 2 तक, -1 मतलब इधर कहीं पे और 2 मतलब इधर कहीं पे, तो जहां पे भी डेफिनेशन चेंज होती है ना, सिर्फ वहीं पे देखना होता है और कहीं नहीं। डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, 0 और 1 पे, दैट्स ऑल। तो मैं LHD देखूंगा, LHD देखूंगा, किधर देखूं, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और मैंने RHD देखा इसी पॉइंट पे, तो RHD 0 के आ गई, 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो LHD RHD अलग हो गए, ये मेरे पास 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पे देखूंगा आपकी बार, तो LHD कितना आ गया मित्रों, 0 आ गया, और RHD कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। तो LHD RHD फिर से डिफरेंट है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं। मैं क्या बोलूंगा इसका फाइनल आंसर, क्या बोलूंगा इसमें ऑप्शंस जो होंगे, मैं इसमें क्या आंसर बोलूंगा,
इट इज, मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। कहाँ कहाँ पे चेक करोगे, जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है सिर्फ वहीं चेक करना है, और कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बालक, चलो बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन और नॉट, डायरेक्टली कर सकते हो यार, कोई टेंशन मत लेना। जैसे देखो इसका एल एच डी कितना हो गया, वन पे एल एच डी कितना हो गया, वन हो गया कि नहीं, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वन हो गया, आर एच डी कितना हो गया माइनस वन, तो वन पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, टू पे देखो, टू पे एल एच डी कितना है माइनस वन, और आर एच डी कितना है टू पे, आर एच डी है हमारे पास थ्री माइनस टू एक्स, यानी कि तुमने टू रखा तो ये आ गया माइनस वन, तो टू पे ये डिफरेंशिएबल है ना, टू पे इट इज डिफरेंशिएबल। ओके, मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वन बट इट इज डिफरेंशिएबल एट टू। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग दैट। थोड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी कर डालते हैं, आओ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, डिसकंटिन्यूटी बतानी है। ओके, नो टेंशन, 2x + 3 2x - 3, एलएचएल कितना हो जाएगा, 2 पे तुमने रखा तो कितना हो गया, 7 हो गया क्या, 4 रखा 7 हो गया, आरएचएल 2 के राइट साइड पे ये डेफिनेशन है, तो इधर तुमने रखा तो कितना हो गया, 4 में से ये क्या दे 1 हो गया, तो क्या ये कंटीन्यूअस है, नो इट इज नॉट कंटीन्यूअस, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, इट इज नॉट कंटीन्यूअस। ठीक है, सातवां देखना जरा, x is less than minus 3, अच्छा ठीक है भाई, तो minus 3 पे ये कितना हो जाएगा, plus 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, है ना, minus 3 के LHL कितना आ गया minus 3 पे, 6 आ गया, अच्छा, और plus 3 पे देखा मैंने, plus 3 पे, तो plus 3 पे minus 6 आ रहा है, है ना, एक मिनट, minus 3 है ना, तो plus 6 आ रहा है, तो यार minus 3 पे तो क्या है ये, LHL RHL equal है, और value of the function को equal to भी है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो value of the function बराबर है, यानी कि minus 3 पे तो ये continuous है। okay. RHL देखा जाए जरा, RHL मतलब इस पे 3 पे देखा जाए, तो 3 का LHL कितना हो जाएगा, 3 का LHL मेरे पास हो जाएगा माइनस 6, जब मैं x इक्वल टू 3 रखूंगा तो माइनस 2x विल मेक इट माइनस 6, और जब राइट साइड पे देखूंगा तो कितना हो गया, 6 3 18 और 2 20, तो हाँ ये 3 पे डिफरेंट, 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, है ना, नॉट कॉन्टिन्यूस एट 3, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट 3, बट यस इट इज सर्टनली कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 पे है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट। अच्छा जी, इसका क्या करें, बोल रहे हैं कि 0 पे 0 है और जब 0 नहीं है तो कुछ और है, तो ठीक है, मान लो अगर 0 से बड़ा है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आर एच एल कितना होगा, 1 होगा, और एल एच एल कितना होगा, अगर ये 0 छोटा है तो ऊपर तो प्लस हो जाएगा बट नीचे अब भी निगेटिव होगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो एल एच एल प्लस वन माइनस वन है और आर एच एल प्लस वन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कुछ और है, सो जीरो पे तो ये सर्टेनली हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, और तुम्हें याद दिलाऊं ये तुम्हारे पास कुछ और नहीं, ये सिग्नम फंक्शन है ना, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है राइट, इसका तो ग्राफ ग्राफ भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, जीरो पे जीरो है, जैसे ही जीरो से आगे बढ़ा तो ये प्लस वन है, और जैसे ही जीरो से पीछे आया तो ये माइनस वन है। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन है हमारे पास, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, डू रिमेंबर दैट। व्हाट अबाउट दिस वन, x इज लेस देन 0 के लिए इतना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इतना है। ओके, इस बार इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी, सिग्नम फंक्शन का थोड़ा उल्टा किया और यहाँ डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज की है, कोई बात नहीं, जब लेस देन 0 है तो ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी माइनस वन होगा, है ना, रख के देख लो, कोई वैल्यू रख के देख लो, मान लो जो तुमने माइनस का 0.1 ले लिया, ठीक है, माइनस का 0.1, तो ये रहा माइनस का 0.1, नीचे मॉडुलस है तो ये प्लस का 0.1 बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी है, माइनस वन, एल एच एल इज माइनस वन, आर एच एल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस वन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट। ठीक है, अगली बात, वन पे भी देखा जाए जरा, वन पे कितना आ गया, एल एच एल तो 2 आ गया, नहीं आर एच एल 2 है ना, ग्रेटर देन 1 है मतलब आर एच एल है, ठीक है, एल एच एल देखा मैंने, एल एच एल भी 2 आ रहा है, तो ठीक है भाई कोई चक्कर नहीं, क्या है ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात यहाँ पे नहीं पूछी गई, पूछी जाती तो हम देख लेते, जैसे अगर मैं बोलूँ एल एच डी कितना है बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ एल एच डी कितना है 1 पे, तो तुम बोलते 2x यानी कि 2 है, बोलते नहीं बोलते, है ना, 2x है, x इक्वल टू 1 रखा कितना आ गया, 2 आ गया, और अगर मैं आर एच डी की बात करता तो ये कितना होता 1, तो यार ये देखो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप ये छोटी मोटी बातें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, अब थोड़ा बेहतर क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ना, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले जाएं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लो, उतना ही फेयर चांसेस हैं कि आप 40 on 40 लेके आओगे। ठीक है, आओ देखो, टू पे अगर मैं बात करूं, अब फिर से पहले कॉन्टिन्यूटी की बात पूछी गई, तो पहले कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी देखा मैंने, एलएचएल देखा, एलएचएल कितना हो गया, 8 में से हमारे पास 3 गया तो 5 हो गया। ठीक है, एलएचएल, और आरएचएल कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो भाई ये क्या कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी, ये कॉन्टिन्यूस तो है। ठीक है, बट अगर इसमें डिफरेंशिएबिलिटी बोलते तो देख लो, तो देख लो, एफ डैश एक्स इधर कितना होता, 3x2, इधर कितना होता, 2x। एक्स इक्वल टू, अगर मैं टू रखूंगा तो कितना हो गया, 4 3 12, और इधर 2 रखूंगा तो ये हो गया 4। तो क्या ये हमारे पास डिफरेंशियबल है? ना, नेवर। एल एच डी इज 12 एंड आर एच डी इज 4, वेयर एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये डिफरेंशियबल नहीं है। कहां पे? 2 पे। जहां भी डेफिनेशन चेंज होगी सिर्फ वहीं देखना, और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ, कुछ टेंशन है, कोई बात बोलनी है तो चैट बॉक्स यूज करो, आई विल बी एबल टू रीड दैट। ओके, लुकिंग इनटू दिस के टाइप क्वेश्चन, जहां के की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसमें 11th क्लास की लिमिट्स अगर तुमने ठीक से प्रैक्टिस किया है, तो ये क्वेश्चंस अगेन तुम्हारे लिए बहुत इजी होने जा रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो अब कर लो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, देखो ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, यू नो दैट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ठीक है, हमें के की वैल्यू बतानी है ताकि ये कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो अगर पाई बाई टू नहीं है तो इतना है और ये है, तो मैं पहले लिमिट निकाल लूंगा, है ना। ऐसे को वैसे फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ठीक है, इतना है के कॉस ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो मुझे तो ये ध्यान रहता है कि इस वाली चीज को ना एच ले लो, डिनोमिनेटर को। ठीक है, हालांकि तुम एमसीक्यू पेपर है, जब कभी भी 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए, तुम एल हॉपिटल लगा सकते हो, यानी कि यू कैन डिफरेंशिएट द न्यूमिटर एंड डिनोमिनेटर डायरेक्टली एंड यू कैन पुट द लिमिट। जैसे अगर मैं इसको सीधा ही डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा बताओ, ये कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, होगा कि नहीं बताओ, डिफरेंशिएशन। और इसको डिफरेंशिएट करूंगा पाई तो गया, बचा माइनस टू, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन इतनी आ गई। अब मैं एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रख दूंगा, पाई बाई टू रखा, कितना आ गया, माइनस, प्लस वन माइनस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन माइनस टू, यानी कि k/2 आ गया। भैया इसको 3 से इक्वेट करो, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस है, बोल रखा है क्वेश्चन में, अपने को चेक वेक तो करना नहीं है। आंसर क्या बोलोगे, k इज इक्वल टू 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो मैं बोलूंगा एल हॉपिटल, प्रोनंसिएशन इज हॉपिटल, पीपल राइट इट एज हॉस्पिटल, राइट, बट द प्रोनंसिएशन, द मैथमेटिशियन हु प्रपोज दिस, दैट व्हेन एवर यू हैव अ लिमिट टू इवैल्यूएट एंड इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0 और इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, यू कैन डिफरेंशिएट इट n नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे क्वेश्चन रूल कहीं मत लगाना। ठीक है, और जब तक वो एक डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, एंड देन अल्टीमेटली यू कैन पुट द लिमिट टू गेट द आंसर। सो एमसीक्यू पेपर में तो आई थिंक दिस वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, बताओ, बिकॉज 2 पे मेरे पास कितना हो गया, 4k हो गया, और राइट पे इट इज व्हाट, राइट पे इट इज 3। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं था, k इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, k इज इक्वल टू 3/4। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, 28। तो यहाँ मैंने देखा x इज लेस देन पाई पे, ठीक है भाई, तो लेस देन पाई पे कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास पाई k इंटू पाई प्लस 1, और RHL कितना हो गया मेरे पास, सेकेंड लिमिट cos पाई कितना होता है, माइनस 1 होता है। तो k की वैल्यू क्या मैं -2/π बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/π, एंड दैट इज हाउ वी कैन डू इट। फैंटास्टिक, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो। और थोड़ा और जाते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूस। बहुत बढ़िया, कॉन्टिन्यूस है मतलब 2 पे और 10 पे दो जगह देखेंगे। मैंने क्या बोला, जिन पॉइंट्स पे डेफिनेशन चेंज होती है सिर्फ वहां पे चेक करो, और बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, यहां मैंने एक्स इज इक्वल टू 2 रखा एलएचएल में, एलएचएल केयर आई मीन वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो एलएचएल कितना आ गया, 5 आ गया, और अगर इस पॉइंट पे मैं आरएचएल देखता हूं तो मेरे पास आता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ठीक, बहुत बढ़िया,
और अगला पॉइंट क्या है मेरे पास जहां मुझे देखना है, एक्स इज इक्वल टू 10 पे। बहुत बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे एल एच एल देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10a+b, और 10 पे अगर मैं आर एच एल देखता हूँ तो ये हो जाता है 21। फैंटास्टिक, दो इक्वेशन है बच्चों, 2a+b = 5, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, बोलने वाली बात ही नहीं है, दे रखा है क्वेश्चन में। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है, दैट इज 10a+b = 21। क्या किया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दो, सोचना क्या है। 8a = 16, a = 3, a = 2 आ गया, पुट करो यहाँ पे, b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, a = 2 एंड b = 1। आई होप यू गेट ऑल दिस, ठीक है, आई होप यू गेट ऑल दिस, लेट मी नो इफ यू वांट मी टू टेक अप मोर क्वेश्चंस। ओके, वी हैव सम क्वेश्चंस टू बी चेक्ड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, द एनसीईआरटी वंस, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू देम, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड पैरामेट्रिक फॉर्म, इनफिनाइट फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स हमारे पास हैं जो टर्म वन में आ रहे हैं, उन सबको हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आओ पहले इनको देखते हैं, आज आज हमारा सारा फोकस किस पे था, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट्स सी, प्रूव के लिए खैर हम वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट प्रूफ। हाँ, अगर ये बोल दें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तो क्या बोलोगे, हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे ये वी शेप बनाएगा, तो कहाँ पे वी शेप बनाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे। क्या ये डिफरेंशिएबल है, ना भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना, प्रूफ तो करने की जरूरत ही नहीं है, वी अंडरस्टैंड दैट। फिलहाल अगर तुम्हारा थ्योरम और बेसिक्स बेसिक समझने का मन है तो देख लो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1, एंड दिस वुड बी इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, इसकी डिफरेंशिएट कितनी आ जाएगी, माइनस 1, इसकी कितनी आ जाएगी, प्लस 1। सो एल एच डी माइनस 1 है और एल एच डी प्लस 1 है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप हमेशा इसको समझ सकते हो, कर सकते हो, फिलहाल ये सब करने की भी जरूरत नहीं है एमसीक्यू पेपर में, ठीक है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 1 एंड 2, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगी, क्योंकि उसके अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसके टेंजेंट्स अलग अलग हो जाएंगे ना, हमने ये तो देखा था, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पे बात करूँ, देखो जरा ध्यान से, एल एच एल अगर मैं देखूँ, ये क्या है, जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो अगर मैं कुछ भी 1 - h करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या देगा, 0, ठीक है। एल एच एल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 पे, और अगर मैं आर एच एल की बात करता हूँ, 1 point anything इज वॉट, दैट इज 1। सो एल एच एल आर एच एल डिफरेंट है, जो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन की बात तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। सिमिलरली हमारे पास 2 पे एल एच एल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर एच एल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सो इट विल नेवर बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर एनफ फॉर टुडे, एंड इन टुमारोज क्लास आई एल बी फोकसिंग ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, आई एल ट्राई टू टेक अप सम क्वेश्चंस from differentiation, especially which have a very fair chances of coming in your exam. That will be all for today from my side. In case you have any other thing, please put that in the chat box and we can discuss that in the next class.